सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा, गरीब आदिवासियों को औषधीय परीक्षण के लिए गिनी पिग के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। केंद्र ने स्वीकार किया है कि पिछले 7 वर्षों में 2500 से अधिक लोग औषधीय परीक्षण के दौरान मारे गए। भारत और फ्रांस ने रक्षा सहयोग बढ़ाने का किया फैसला। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर की बातचीत। पश्चिमी उत्तर पाकिस्तान में 2 आत्मघाती विस्फोटों में कम से कम 40 लोगों की मौत और 100 से अधिक लोग हुए घायल। आतंकी संगठन अंसरुल मुजाहिदीन ने ली जिम्मेदारी, 6 आतंकवादी भी मारे गए। मिस्र में पूर्व राष्ट्रपति मोर्सी को फलिस्तीनी संगठन हमास के साथ साजिश का दोषी ठहराए जाने के बाद उनके समर्थकों और विरोधियों ने की रैलियां। परस्पर विरोधी गुटों के बीच झड़पों में 5 लोगों की मौत और 72 से लोग ज्यादा हुए घायल। और क्रिकेट में हरारे में 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे दिवसीय मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 58 रनों से हराकर श्रृंखला में बनाई 2-0 की बढ़त।